नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ सैयद मुसरत खलील साहब जो हैं वो जिद्दा सऊदी अरब से टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। मुसरत साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस सर। जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा मुसरत साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि इस वक्त सऊदी अरब में कोरोना वायरस के पेशेंट्स की क्या अपडेट है, और आप लोगों ने वहाँ पे जो हमारे सबसे बड़े इबादत गाह हैं उसके लिए क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लिए हैं और क्या रिस्ट्रिक्शंस रखी हैं? देखिए, इस वक्त एग्जैक्ट फिगर तो मेरे पास नहीं है, कितने मरीज नष्ट दुचार हैं, लेकिन ये कि इनकी तादाद उतनी है जितनी नॉर्मल हमारे इस वक्त हर पाकिस्तान में होगी, और इकदाम बहुत उमदा है इसको रोकने के लिए। मक्के व मदीने और जिद्दा और रियाज, ये तमाम बड़े शहरों में इन्होंने तमाम कर्फ्यू की जो पाबंदी है उसके ऊपर ड्राफ्ट करा रहे हैं लोगों से, और ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल है हालात। अच्छा अच्छा सर, ये बताएं कि वहाँ पे तरावी के लिए क्या किया गया है सऊदी अरब में? तरावी पे तो पाबंदी रहेगी रमजान मुबारक में, ठीक है, और ये है कि अपील की है कि लोग घरों पर ही तरावी का एहतमाम करें। कहाँ घरों पे एहतमाम करें तरावी का? जी, लोग अपने अपने घर पे पढ़े क्योंकि मस्जिद में तरावी। अच्छा, ठीक है। और सऊदी अरब में इस वक्त जमात के नमाज के लिए क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं? जमात मस्जिदों में वही पाबंदी है, जब तक ये वबा है उस वक्त तक इन्होंने मस्जिद में जमात पांचों वक्त की नमाज की अदायगी जो है वो मुअत्तल रखी है। और बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सैयद मुसरत खलील।